बड़ी पुलिस स्टेशन में दोस्त ने दोस्त को पैसे उधार न देने पर जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी गोलू गोरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी है कि दिव्यांग युवक मिथुन मोहिते है, जो कि गुमगांव चांदू रेलवे परिसर का रहने वाला है, जो अपने घर से 5,000 रुपए लेकर जयपुर नकली पैर लगाने जा रहा था। तभी रेलवे स्टेशन पर छोटे मोटे सामान बेचने वाले उसके दोस्त गोलू गोरी ने उसे रोक कर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे ना मिलने पर आरोपी ने मिथुन मोहिते पर धारदार शस्त्र से हमला कर दिया। घटना के बाद बर्डी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। या घटनेमध्ये हे दोघेही रेल्वे मध्ये काहीतरी काम करतात, त्यापैकी मिथुन कारभारी मोहिते हा अपंग मुलगा आहे आणि तो चांदूर रेल्वे गुमगाव येथून राजस्थान येथे कृत्रिम पायाची काही बसवण्यासाठी तो जात होता आणि त्या ठिकाणी आरोपी गोलू शंकर गौरे पाचपावली त्या हद्दीतील राहणारा आहे, त्यांच्यात काही किरकोळ वाद झाला। मग GRPFच्या लोकांनी त्यांना बाहेर हाकलून दिले रेल्वे स्टेशनमधून आणि तिथे बाहेर आल्यानंतर त्यांच्यात भांडण झालं आणि झाऱ्याच्या दांड्याने त्याने त्याच्या छातीमध्ये मारलेलं आहे। आरोपी सध्या अटक केलेला आहे, पोलिसांनी 307 कलमाप्रमाणे कारवाई केलेली आहे त्याच्याविरुद्ध। घटना के बाद मिथुन मोहिते का इलाज अस्पताल में जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।